हेलो वेलकम अगेन। वी आर सॉल्विंग गेट 2023 मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर क्वेश्चन नंबर 26। द प्रिंसिपल स्ट्रेसेज एट ए पॉइंट पी इन ए सॉलिड आर 70 एमपीए माइनस 70 एमपीए एंड जीरो। द यील्ड स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल इज 100 एमपीए। विच प्रिडिक्शन और प्रिडिक्शंस अबाउट मटेरियल फेलियर एट पी इज आर करेक्ट। ऑप्शन ए मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी प्रिडिक्ट्स दैट मेटल फेल्स। ऑप्शन बी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी प्रिडिक्ट्स दैट मेटल फेल्स। ऑप्शन सी मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी प्रिडिक्ट्स दैट मेटल डज नॉट फेल। एंड ऑप्शन डी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी प्रिडिक्ट्स दैट मेटल डज नॉट फेल। सो हियर सिग्मा वन इज 70 एम पी एंड सिग्मा टू इज माइनस 70 एम पी एंड सिग्मा थ्री इज जीरो। सिग्मा मैक्स हियर फ्रॉम दिस थ्री इज 70 एम पी एंड अकॉर्डिंग टू नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी द सिग्मा मैक्स शुड बी लेस देन सिग्मा यील्ड एंड सिग्मा यील्ड इज गिवन एज 100 एम पी। सो दिस इज सैटिस्फाइड। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी द मेटल विल नॉट ओके एंड सिग्मा मैक्स हियर इज 70 एमपी एंड सिग्मा मिनिमम इज माइनस 70 एमपी। सो द शियर स्ट्रेस इज सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिन बाय 2। सो शियर स्ट्रेस कम्स टू 70 एमपी एंड यील्ड हियर स्ट्रेस इज सिग्मा यील्ड माइनस 0 बाय 2। सो दैट इज 50 एमपी। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी दिस शियर स्ट्रेस बल्ब इन द मेटल शुड बी लेस देन द yield stress test. So which is not true in this case. So metal will fail according to shear stress theory. So answer is B and C. B option is it will fail. Maximum shear stress theory predicts that metal will fail. Okay. That is correct. And maximum normal stress theory predicts that metal does not fail. So that is also correct. So answer is B and C.